सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंट्राडे की ऑप्शंस बाइंग की एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिसको आप रन कर सकते हो किसी भी इंडेक्स पर, किसी भी स्टॉक पर। और मेन प्रॉब्लम क्या आती है आपको, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो इंट्राडे में, तो इंट्राडे में आपको चाहिए होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स। और ज्यादातर मार्केट में जो ट्रेंड्स आते हैं वो लॉन्ग टर्म आते हैं, और शॉर्ट टर्म में आती है वोलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म में आती है साइडवेज मूवमेंट। और वो जो साइडवेज मूवमेंट है उसमें आपके ट्रेड्स खराब हो जाते हैं और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश की कि ऐसी स्ट्रेटजी बनाऊं जिसमें ज्यादा से ज्यादा इस तरह के ट्रेड जो है वो बाहर निकल जाए, जहां पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, क्योंकि वो होते हैं साइडवेज मूवमेंट पर। तो ये क्या करती है, ये ट्रेंड की कंफर्मेशन लेने पर ही ट्रेड स्टार्ट करती है और आपको सिग्नल देती है। और जनरली क्या होता है कि अगर आप एक इंडिकेटर से ट्रेडिंग करते हो तो एक इंडिकेटर हमेशा आपको कंफर्मेशन नहीं दे पाता। तो इसमें मैंने दो इंडिकेटर्स का कम्बिनेशन यूज किया है, और दोनों ऐसे इंडिकेटर हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, बड़े पावरफुल इंडिकेटर्स हैं। एक इंडिकेटर है मूविंग एवरेज और दूसरा है RSI। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, मैं आपको ये दोनों इंडिकेटर्स के बारे में भी थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज दे दूंगा, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक, और हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे मैंने आपको कहा कि इस स्ट्रेटजी में हम साइडवेज मूवमेंट से बचना चाहते हैं, और जनरली कभी भी अगर आप ऑप्शन बाइंग करने जा रहे हो तो साइडवेज मूवमेंट में ऑप्शन बाइंग नहीं हो सकती। ऑप्शन बाइंग के लिए होता है कि सही ट्रेंड डिटेक्ट करना, और सही ट्रेंड डिटेक्ट करने के लिए हमें सही जो इंडिकेटर जो ट्रेंड डिटेक्शन के लिए पर्टिकुलरली बने हुए हैं वही यूज करने हैं। तो हमने क्या किया कि हमारा जो सारा का सारा प्रोसेस भी सिंपल हो, स्ट्रेटजी भी सिंपल हो, तो हमने ऐसे दो इंडिकेटर यूज किए, और मैंने इन दोनों इंडिकेटर्स के साथ बैक टेस्टिंग भी करके देखी है। बिकॉज मेरी हमेशा ये मेरा गोल रहता है कि मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ उसकी बैक टेस्टिंग मैं करूँ, और साथ में वो स्ट्रेटजी ऐसी हो जो मैं खुद भी ट्रेड कर सकूँ। खुद अगर मैं वो ट्रेड नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको बताता हूँ, तो दैट मीन्स मुझे वो कॉन्फिडेंस अगर खुद को ही नहीं है स्ट्रेटजी का, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। इसलिए मैंने इस स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग भी की, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। और अभी हम पहले देखते हैं कि इसमें हम कौन से टेक्निकल इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। और टेक्निकल इंडिकेटर्स आई थिंक आपको पता होगा, प्राइस एक्शन जो होता है उसी से सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स बने होते हैं। तो प्राइस एक्शन और टेक्निकल इंडिकेटर्स ये कोई अलग चीज नहीं होती है, सब कुछ प्राइस एक्शन से ही बना हुआ है। या तो आप कैंडल्स को डायरेक्ट देखो और प्राइस एक्शन वहां से डायरेक्ट देखो, रॉ प्राइस एक्शन देखो, या फिर आप वो मॉडिफाइड वर्जन यानी टेक्निकल इंडिकेटर्स देखो। और टेक्निकल इंडिकेटर्स जनरली सारे जो जो फेमस टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ये आपके ब्रोकर में अवेलेबल होते हैं, उसमें जाके आप टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऑप्शंस में जाके आप इंडिकेटर चूज कर सकते हो, जो भी इंडिकेटर आप यूज करने वाले हो। तो इसमें हमने यूज करना है मूविंग एवरेज, जो कि बहुत ही पॉपुलर और सबसे कॉमनली यूज है, और इनफैक्ट ये पावरफुल भी बहुत है। बहुत लोग जो हैं वो मूविंग एवरेज को इग्नोर कर देते हैं, इसकी रियल पावर नहीं समझते। इसकी बहुत रियल पावर मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या एग्जैक्टली हमें फायदा होने वाला है। और दूसरा है RSI, इन दोनों का कम्बिनेशन इनफ होता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, ये दोनों का कम्बिनेशन आपकी ऑप्शन बाइंग की लाइफ बहुत सिंप्लीफाई कर देगा। आप इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, आपको साइडवेज मूवमेंट से आप बच जाओगे, आपके स्टॉप लॉसेस जो है वो कम से कम हिट होंगे। तो मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज बेसिकली होता है जो कैंडल्स होती हैं, जो पीछे की जो कैंडल्स होती हैं उन सब की एवरेज निकाल के जो वैल्यू निकलती है, जो उनकी क्लोजिंग की एवरेज निकालते हैं उसकी जो वैल्यू निकलती है वो प्लॉट कर देते हैं उस टाइम पर। और इस तरह से जैसे जैसे नेक्स्ट कैंडल्स बनती है, हर कैंडल में पिछली कैंडल्स की एवरेज निकाली जाती है। जैसे इन दिस केस हम जो चूज कर रहे हैं 20 का टाइम पीरियड चूज कर रहे हैं, तो 20 का टाइम पीरियड का मतलब है पिछली 20 जो कैंडल्स हैं। अब जैसे हमारा केस है, हम यहाँ पे 5 मिनट का टाइम पीरियड चूज करेंगे तो 5 मिनट की कैंडल्स बनेंगी। तो पिछली जो 5 मिनट की 20 कैंडल्स बनी होंगी उनकी जो क्लोजिंग की एवरेज होगी वो वहां पर प्लॉट हो जाएगी। इस तरह से जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो उसकी पिछली 20 कैंडल्स की होंगी। तो ये जब सारी प्लॉट हो जाती है, इनको जोड़ के कर्व बन जाती है, और ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि तो आपने टेक्निकल इंडिकेटर चूज किया अपने ब्रोकर में, और ऐसी जो कर्व है वो बन के सामने आ जाती है। और अब हमें क्या फायदा होगा, ये जो कर्व है ना ये बता तो रही है कि ट्रेंड कहाँ को जा रहा है, लेकिन जो प्राइस है, प्राइस इज द किंग, प्राइस इज एवरीथिंग। तो जो प्राइस है अगर मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड आ रहा है। बिकॉज मूविंग एवरेज क्या बता रही है कि ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये जो ट्रेंड है इसकी स्पीड जब होती है, ट्रेंड एकदम फास्ट बढ़ता है आगे, तो सबसे पहले क्या होगा, जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जाएगा। तो ऐसे जैसे मान लीजिए ये मूविंग एवरेज की कर्व चल रही है और प्राइस इसको क्रॉस करके अगर ऊपर गया तो इसका मतलब ट्रेंड आया, हमें वो डिटेक्ट करना है। दूसरी बात, जब ये प्राइस इसको तोड़ के इसको क्रॉस करके नीचे को गिरेगा, इसका मतलब डाउन ट्रेंड आ रहा है। ये दोनों चीजें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। पर अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार जो प्राइस साइडवेज मूवमेंट में होता है वो साइडवेज मूवमेंट में ऐसे ऐसे करता है, यानी कि वो कभी तो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये बार बार होने लग जाता है। ये जो बार बार होता है ना, इसी को हम कहते हैं साइडवेज मूवमेंट। और ये साइडवेज मूवमेंट बहुत खतरनाक होती है,
इसमें क्या है, हमारे जो स्टॉप लॉसेस इतने हिट हो जाते हैं, इतने सारे हिट होते हैं कि हम डिस्करेज हो जाते हैं, हमारा लॉस इतना हो जाता है और हम ट्रेडिंग में से बाहर हो जाते हैं। तो ये जो चीज है इसमें से हमें निकलना है। तो अकेली मूविंग एवरेज इस चीज से हमें निकाल नहीं पाती है। अपने आप में ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, पर अब ये इनफ नहीं है क्योंकि ये ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता। और उसके लिए हमने चूज किया RSI, इसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जो इसकी फुल फॉर्म है। ये है एक लीडिंग इंडिकेटर और इसका पर्पज ये है, ये आपको बताता है कि जो भी मार्केट में जो करंट ट्रेंड आया है उसकी स्पीड क्या है। और ट्रेंड की स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर ट्रेंड की स्पीड होगी तो वो साइडवेज में जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। जो फास्ट ट्रेंड होगा वो ऊपर जाएगा। फास्ट ट्रेंड कब आता है? जब प्राइस की जो मूवमेंट है वो फास्ट होती है। सेम जो कैंडल है, जो पहले एक पर्टिकुलर लेंथ की बन रही थी, उसके बाद उससे बड़ी लेंथ की अगर कैंडल बन रही है, इसका मतलब उसी टाइम पीरियड में ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ स्टॉक का। अगर प्राइस ज्यादा इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ट्रेंड की वेलोसिटी बढ़ गई है। तो अगर ट्रेंड की वेलोसिटी बढ़ी है तो इसका मतलब बाइंग अच्छी आ रही है, हाई वॉल्यूम में आ रही है। अगर ज्यादा बाइंग आएगी तो दैट मीन्स आगे उनको, जो भी बायर्स हैं उनको लग रहा है कि आगे स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तभी वो बाइंग फास्ट कर रहे हैं, ज्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं और ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग कर रहे हैं। इसलिए उस जो RSI इंडिकेटर है वो अपने आप में ये बता देता है, क्योंकि ये बताता है वेलोसिटी, किस स्पीड से बाइंग आ रही है, किस स्पीड से ट्रेंड आ रहा है। तो वो जो हमें खाली एक तरफ तो हमें पता लगता है कि ट्रेंड आ रहा है, यहाँ से ये पता लग गया, पर यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है साथ में कि ट्रेंड की स्पीड क्या है। और जो ये ट्रेंड की स्पीड बताता है उससे हमें और डबल श्योरिटी हो जाती है और कंफर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में ना ट्रेंड की स्पीड अच्छी नहीं होगी। साइडवेज मूवमेंट है, इसका मतलब ट्रेंड की स्पीड अच्छी नहीं होगी। अगर ट्रेंड में दम होता तो स्टॉक प्राइस साथ साथ गिरेगा नहीं, तो यानी कि सेलिंग भी इसमें साथ साथ आ रही थी, इसलिए यहाँ पे ट्रेंड की स्पीड अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर RSI में क्या होता है, जब लगातार कैंडल्स बनती हैं, ग्रीन कैंडल्स, तभी ये ट्रेंड की स्पीड को दिखाता है। ट्रेंड की स्पीड इसमें तभी बढ़ती है, इसका जो ऑसिलेटर है वो हायर वैल्यू तभी दिखाता है अगर बार बार ग्रीन कैंडल्स बनती हैं और तगड़ी वाली बनती है, मतलब गेन अच्छा आता है। जो एवरेज गेन है ना वो इसमें अच्छा आता है, एवरेज गेन। और उसी तरह अगर एवरेज लॉस, अगर मान लो स्टॉक नीचे को गिरता है और वो वीक होता है, जितनी तेजी से वो नीचे गिरेगा, जितनी तेजी से रेड कैंडल्स बनेगी, उतनी तेजी से RSI की वैल्यू भी नीचे को आएगी। तो RSI की वैल्यू जो होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। और हमारा ये जो केस है, हम जो बना रहे हैं उसमें हमने मान लिया है, अज्यूम कर लेते हैं कि 60 से ऊपर जब RSI की वैल्यू है तो इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्टॉक जो है अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। 60 की कम से कम 60 वैल्यू होनी चाहिए। और अगर नीचे जो जाएगा तो हमने ले लिया 40 की वैल्यू। अगर 40 से नीचे जा रही है वैल्यू, इसका मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, स्टॉक वीक हो रहा है, इंडेक्स वीक हो रहा है। तो हमें ये दो वैल्यूज को क्राइटेरिया लेके चलना है। इसका टाइम पीरियड होता है 14 का, जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है, हमने उसको छेड़ना नहीं है, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और ये भी हमने प्लॉट कर देना। और हमने क्या करना है, जब हमने प्लॉट करना है तो RSI का जो ऑसिलेटर बन के आएगा, RSI का ऐसे नीचे ऑसिलेटर बनता है, ऊपर आपका चार्ट होता है स्टॉक का, ये आपका प्राइस का चार्ट होगा ऊपर, और उसके नीचे यहां पर जो है ये ऑसिलेटर का चार्ट बनेगा, RSI ऑसिलेटर। तो इसका जो चार्ट है इसमें क्या होगा, एक रेंज के बीच में हमने दो सेटिंग्स चूज कर लेनी है, 60 और 40 की, 60 और 40। स्टॉक प्राइस इसके जो RSI की वैल्यू इसके बीच में मूव करती है, कभी 60 से बाहर निकलेगी और कभी 40 से नीचे जाएगी। तो हमने ये नोट करना है कि 60 से बाहर कब निकल रही है और 40 से नीचे कब जा रही है। तो मैं इसको अब रियल चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा, बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी का मैं 5 मिनट का चार्ट यूज करने वाला हूँ, आपको पूरी बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ करके, ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आए, आप देखो रियल में कैसे आपके ये स्टॉप लॉसेस बचाएगा और कैसे आप काफी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने वाले हो। और ऑप्शन बाइंग आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी, ऑप्शन बाइंग कम कैपिटल से हो जाती है, तो कम कैपिटल में इंट्राडे ट्रेडिंग विद सिंपल इंडिकेटर्स आपकी लाइफ इजी करने वाले हैं। चलो देखें फिर चार्ट में। सो मैंने खोल लिया बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट और मैंने दोनों इंडिकेटर्स में प्लॉट कर लिए। ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो ये है मूविंग एवरेज 20 टाइम पीरियड की, और ये जो नीचे आप देख रहे हो ऑसिलेटर, ये है RSI का। इसकी RSI ऑसिलेटर की जो मैंने सेटिंग की, मैंने सेटिंग में ये किया कि इसकी जो अपर लिमिट है वो मैंने सेट कर दी 60, कि 60 में यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए ताकि मैं क्लियरली देख पाऊँ कि ये कब 60 की वैल्यू से ऊपर जा रहा है। और उसी तरह से मैंने 40 की वैल्यू चूज की है डाउन लाइन के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए। और ये जो दोनों सेटिंग है ये आप RSI की सेटिंग में से जाके कर सकते हो। यहाँ पर RSI की सेटिंग की वैल्यू होती है, यहाँ पे आप सेटिंग में जाओगे, वहां पे जाके आप 60 और 40 की वैल्यू चूज कर सकते हो, कलर्स भी चूज कर सकते हो, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर ये सामने दिखने में आ जाए। तो आपने उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे प्लॉट सामने बन के आ जाएगा। और अब हमारे लिए बहुत सिंपल होने वाला है, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टारगेट क्या लेना और स्टॉप लॉस क्या लेना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो बिना स्टॉप लॉस और टारगेट की नॉलेज के,
आपका ट्रेड इनकम्प्लीट है। तो टारगेट और स्टॉप लॉस इस केस में दोनों एक ही हैं। आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई ट्रेड लेना है उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो जो 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 स्टॉक प्राइस है, जो ये कैंडल मूवमेंट आप देख रहे हो ये प्राइस है, जो प्राइस है अगर मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे को जा रहा है तो साथ में RSI की वैल्यू 40 से नीचे जा रही होनी चाहिए, उस समय आपने एंट्री ले लेनी है। ये डाउन ट्रेंड की एंट्री है। और ये एग्जिट कब करना है, एग्जिट तब करना है जब ये प्राइस वापस जाके मूविंग एवरेज को टच करेगा। यही आपका स्टॉप लॉस है, यही आपका टारगेट है। तो आपने अगर ये कहीं ऐसा होता है, किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि ये साथ के साथ हिट हो जाता है, जैसे यहां पर देखो यहां पर क्या हुआ है, 40 से नीचे आया और ये प्राइस भी नीचे आया, प्राइस नीचे आने के बाद साथ के साथ दोबारा से टच हो गया, तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस जो है वो टारगेट है, एक ही चीज लेनी है, कोई अलग अलग नहीं है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि मूविंग एवरेज को टच करता है तो आपने एग्जिट कर जाना। तो अब हम देखते हैं, ये हमने बैक टेस्टिंग पूरी करके देखते हैं, और ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि मुझे पता है आप स्ट्रेटेजी को यूज करोगे और तभी यूज करोगे अगर आप फुली कॉन्फिडेंट होगे, और फुली कॉन्फिडेंट के लिए बैक टेस्टिंग किसी को तो करनी पड़ेगी, या आप करोगे या मैं करूंगा। अब मैं अगर आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ और मैं बैक टेस्टिंग करे बिना बताऊं तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही होगा, क्योंकि मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी समझाने जा रहा हूँ और बैक टेस्टिंग ही ना करके बताऊं तो ये तो हवा में बातें करने वाली बात हो जाती है। तो मैं इसलिए जरूर चाहता हूँ कि मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊं, ताकि आपको पता चले कि ये स्ट्रेटेजी काम की है कि नहीं है, और आप अगर आपको काम की लगती है तो आप इसको यूज करना शुरू करो। और आई वॉन्ट कि आप लोग पैसे कमाओ, आप लोगों की लाइफ ईजी हो, और अगर इतने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं जो इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं, तो हम रिटेलर्स क्यों नहीं कमाएं? हम लोगों के पास भी नॉलेज है, हम उस नॉलेज को वेल यूटिलाइज करते हैं, और उसमें से हम, अगर हमारे पास कम कैपिटल है तो कम कैपिटल से भी कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग वाले पैसा नहीं कमाते, ऑप्शन बाइंग वाले पैसा कमाते हैं, प्रोवाइडेड उनको बस सही नॉलेज हो और सही डिसिप्लिन हो। ये दो तीन तीन चीजों की जरूरत होती है। तो नॉलेज प्रोवाइड करना आपको मेरा काम है, पर डिसिप्लिन आपको खुद करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसको बैक टेस्टिंग करके सारा कुछ देखते हैं कि कैसे ये स्ट्रेटजी ने परफॉर्म किया था। तो यहां पर हम शुरू करते हैं इस पॉइंट से। यहाँ पर आप देखो कि ये 40 से नीचे गई RSI की वैल्यू, और साथ में स्टॉक प्राइस भी यहाँ से मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे गया, और उसके बाद ये हमें इतना रेंज मिल गई है प्रॉफिट की। यहाँ आके वापस इसने टच किया मूविंग एवरेज को, यहाँ हमने एग्जिट कर जाना है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये ट्रेंड को अच्छी तरह कैप्चर करती है। इसका मेन पर्पज है कि ट्रेंड जो है अच्छी तरह कैप्चर हो जाए, और दूसरा काम यह है कि साइडवेज मूवमेंट से बच लो। और साइडवेज मूवमेंट से बचने में ये पूरी कोशिश करती है, बट ऑफकोर्स कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती, थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस तो आएंगे ही आएंगे, और वो थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस इसलिए आएंगे कि जो साइडवेज मूवमेंट है वहां पर हर समय कई बार ऐसा होगा कि साइडवेज मूवमेंट जो है ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और आपको इंडिकेशन दे देगा, और आपको साइडवेज मूवमेंट के कारण स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। पर मेन पर्पज ये है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं कोई बात नहीं, जब ट्रेंड आए, बड़े ट्रेंड आए वो जरूर कैप्चर हो जाए और उसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर पाओ। तो ये वाला काम ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा करती है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपको मैंने ये बताया, यहाँ पर ये 40 से नीचे गई वैल्यू, और साथ के साथ यहाँ पे मार्केट ने भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, और उसके बाद यहाँ आके दोबारा टच हुई। तो ये आप देख रहे हो इतना प्रॉफिट आपने यहाँ पे अचीव कर लिया, और ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था जहां पर ये 40 से वैल्यू नीचे गई, और साथ के साथ यहाँ पर प्राइस आप देख रहे हो साथ के साथ वापस टच हो गया मूविंग एवरेज को। और फिर यहाँ पर एक छोटा सा एक्शन आया था, यहाँ पे वैल्यू 60 से अबव गई RSI की, और प्राइस भी मूव किया ऊपर, बट उसके बाद नीचे आके टच कर गया, और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पे 40 से वैल्यू नीचे गई RSI की, और ये प्राइस भी नीचे गया, और उसके बाद प्राइस वापस यहाँ पर आया और बहुत छोटा सा आपको प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे। और देखें फर्दर, ये एक बहुत छोटी सी मूवमेंट आई है और एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट आई थिंक इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस ही हुआ होगा। और फिर एक यहाँ पर मूवमेंट आई है, यहाँ पर भी नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो एरिया है ये सारा एरिया साइडवेज मूवमेंट वाला है। ये साइडवेज मूवमेंट में आप देख रहे हो कि ये जो प्राइस है बार बार मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप खाली मूविंग एवरेज को यूज कर रहे होते तो आपका बहुत लॉस होने वाला था, और आप मूविंग एवरेज को बहुत ही बेकार इंडिकेटर समझ के छोड़ देते। लेकिन जब आपने RSI के साथ यूज किया, आप देख रहे हो RSI की वैल्यू विद इन रेंज मूव कर रही है, RSI की वैल्यू बाहर नहीं जा रही, इससे आपको पता चल रहा है कि ये साइडवेज मूवमेंट है, आपने एंटर नहीं करना और आप बच जाते हो। तो मैक्सिमम जो जो स्टॉप लॉसेज आपके आने हैं आप उससे बच जाते हैं यहाँ पर। अब हम और पीछे जाके देखते हैं इसमें। सो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू 60 से ऊपर गई, और ये आपने एंट्री की यहाँ पर, और उसके बाद आपने यहाँ पर एग्जिट करना है जब यहाँ पे आके वापस ने मूविंग एवरेज को टच किया, तो ये आपको प्राइस मूवमेंट जो है आपने गेन कर ली। 5 मिनट का चार्ट है, आप कॉल या पुट बाय करना चाहो आप कॉल पुट बाय करके कर सकते हो, और उससे क्या आपकी कैपिटल भी बहुत कम लगेगी, इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएगी, और आप बहुत अच्छा ट्रेंड भी कैप्चर कर पाओगे जो कि इंट्राडे में ही आ रहा है।
और फिर देखें यहाँ पर ये जो स्टॉक की मूवमेंट है यहाँ पर, ये आप देखो 40 से नीचे चला गया और ऐसा यहाँ पर, और साथ में स्टॉक भी मूव करके यहाँ पर आया और इतना आपने यहाँ पर डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट गेन कर लिया। और उससे पहले यहाँ पर RSI की वैल्यू, इस पॉइंट पे RSI की वैल्यू 40 से नीचे गई थी और साथ में प्राइस भी यहाँ पर नीचे गिरा था मूविंग एवरेज से, तो इसमें भी आप वापस यहाँ पे यहाँ तक, परहैप्स यहाँ तक इतना प्रॉफिट आपने इसमें ले लिया। और देखते हैं पीछे जाके मार्केट में, तो अब ये देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये पॉइंट पर वैल्यू RSI की 60 से ऊपर गई थी और इस पॉइंट पर आपने एंटर किया था क्योंकि मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्राइस ऊपर जा चुका, और यहाँ पे आपने एंटर किया था और यहाँ पर ये प्राइस आके मूविंग एवरेज को दोबारा से टच हो रहा है, और इतना आपने यहाँ पे स्टॉक की जो मूवमेंट हुई है यहाँ पे आपने प्रॉफिट अचीव कर लिया अप ट्रेंड में। उसी तरह से यहाँ पर देखो आप, ये 60 से ऊपर गई है वैल्यू RSI की और आपने इस पॉइंट पे यहाँ पर एंटर कर लिया क्योंकि मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्राइस भी ऊपर गया, और आपने यहाँ पर ये मूविंग एवरेज को टच किया और आपने इतना जो प्राइस डिफरेंस आया उतना आपने प्रॉफिट इसमें गेन कर लिया, राइट। और फिर यहाँ पर देखो ये यहाँ पर RSI को तोड़ के नीचे आया, 40, RSI की वैल्यू 40 से कम हो गई है और इसी पॉइंट पर आपने यहाँ पर एंटर किया इस पॉइंट पे, और ये मुझे लगता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और आप देखो स्टॉप लॉस कितने हिट होते हैं, बहुत छोटी वैल्यू के अगर हिट होते भी हैं तो आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे हिट होते हैं, आपका नुकसान जो है, आपका लॉस जो है वो बहुत छोटा होता है, बट जब आपका प्रॉफिट होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट से कोई नहीं बच सकता, साइडवेज मूवमेंट के कारण ही सबको स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और ये साइडवेज मूवमेंट जो है इससे हम 100% तो नहीं बच सकते पर हम बहुत ज्यादा बच रहे हैं, हम साइडवेज मूवमेंट में बहुत कम हमें सिग्नल्स आ रहे हैं और हम काफी हद तक बच रहे हैं। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे RSI की वैल्यू 40 से नीचे गई है और यहाँ पर आपको फिर भी एक ट्रेंड मिल गया और एक प्रॉफिट गेन यहाँ पर हो गया, बिकॉज डाउन ट्रेंड आया, प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे गया और साथ में RSI की वैल्यू 40 से नीचे गई। आपने कब करना है इस ट्रेड को क्लोज, जब ये मूविंग एवरेज को वापस से टच किया और आपने इतना सा इसका प्रॉफिट गेन कर लिया। तो इस तरह की जो छोटे छोटे जो ट्रेंड्स आ रहे हैं या जो स्लाइड मूवमेंट आ रही है, जो RSI से देखो यहाँ पर भी 40 से नीचे गिरा और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया बट विद नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने एंट्री की और आपने ये छोटा सा ट्रेंड जो है इसको कैप्चर कर लिया और आपने इतना सा प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद ये मार्केट क्लोज हो गई है यहाँ पर, तो 3:30 पे आपने ये प्रॉफिट बुक कर लिया। और पीछे जाके देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे RSI की वैल्यू 60 से ऊपर गई और साथ में यहाँ पे अप ट्रेंड आया और आपने ये थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ से ले लिया, और फिर यहाँ पे भी RSI की वैल्यू 60 से ऊपर गई थी और इसने भी मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर गया प्राइस और आपने यहाँ पे इतना प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर एक अप ट्रेंड आया था जिसमें आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और यहाँ पर आपने देखा कि ये डाउन ट्रेंड आया, RSI की वैल्यू 40 से नीचे गई और आपने ये छोटा सा ट्रेंड ले लिया बिकॉज मार्केट उसके बाद क्लोज होगी। और फिर यहाँ पर देखिए RSI की वैल्यू 40 से नीचे गई और ये उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट अगेन ये मुझे लगता है यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रॉफिट मिला है, मतलब स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, टारगेट ही अचीव हुआ बट बहुत माइनर सा प्रॉफिट हुआ। और देखो ये पूरी जो रेंज है यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं मिला बिकॉज मार्केट भी साइडवेज है, मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ही चल रही है, कोई काम का कोई फायदा नहीं हो रहा, इसमें एंटर करना भी नहीं चाहिए और आपको RSI बता रहा है कि एंटर करना भी नहीं है, और एंटर करने के लिए RSI ने आपको बताया यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पे आपने एंटर किया समवेयर एंड देन यू हैव गॉट द प्रॉफिट ऑफ दिस मच, ठीक है। फिर आपको RSI ने बताया यहाँ पर एंटर करने को बट यहाँ पर आपको बहुत छोटा सा प्रॉफिट, इनफैक्ट यहाँ पर आपको छोटा सा लॉस मिला और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत अजीब सी मूवमेंट हो रही है साइडवेज और ये मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे हो रही है, पर आपको RSI ऐसा सिग्नल नहीं दे रहा और आप इस तरह की साइडवेज मूवमेंट से बच गए हो। और पीछे चल के देखते हैं, सो यहाँ पर देखते हैं ये यहाँ पर बता रहा है RSI एंटर करना है और आपने एंटर किया, छोटा सा प्रॉफिट ले लिया, यहाँ पे RSI ने आपको बताया कि एंटर करना है पर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में चली गई है, पर ये जनरली ऐसी सिचुएशन से बच के रहना चाहिए बिकॉज ऐसी सिचुएशन तब आती है जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, काफी हैवी गैप डाउन हुआ, आप देख रहे हो काफी काफी बड़ा गैप डाउन हुआ, काफी बड़े गैप डाउन के, जब जैसे ही मार्केट बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होती है ट्राई टू अवॉइड इस तरह की सिचुएशन, आप वैसे भी अवॉइड करो, और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे भी मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुई है और उसके बाद मार्केट जो है फिर भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया बिकॉज अगर आपने एंट्री की साथ के साथ, जैसे ही मार्केट ओपन हुई साथ के साथ आपने देखा RSI की वैल्यू 40 से नीचे गई है, आपने एंटर कर लिया, आप तब भी प्रॉफिट आपको
मिल गया, बट जनरली आई प्रेफर कि अगर गैप डाउन या गैप गैप अप बहुत बड़ा होता है तो ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन। उस समय इमीडिएटली एंटर मत करो, 2-3 कैंडल्स की वेट करो और उसके बाद ही आप एंटर करो। सो हम देखते हैं और कुछ पीछे जाके, तो आप देखोगे इसमें जो बड़े सारे ट्रेंड्स आते हैं वो सारे के सारे ट्रेंड्स कैप्चर हो जाते हैं। आप देखो यहाँ पर ये ट्रेंड आ रहा है, ये ट्रेंड कैप्चर हो गया, फिर यहाँ पर एक ट्रेंड आया, ये वाला ट्रेंड कैप्चर हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर कैप्चर हो गया पर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चर हुआ पर इसमें साइडवेज ही रहा, इसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पर ही हुआ, यहाँ पर भी आपका मार्केट नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेंड आया और ये ट्रेंड आपका कैप्चर हो गया, क्योंकि तो ये वैल्यू यहाँ पर बता दिया इसने, 40 से नीचे आ गया। तो आपने देखा कि मैं बैक टेस्टिंग आपको करके दिखाई है कि ये बहुत ही प्यारी स्ट्रेटजी है और ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत काम की है। आप इसमें ट्रेड करके देखो, जब आप करके देखोगे तब आपको रियल कॉन्फिडेंस आएगा। मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपको ये स्ट्रेटजी की क्लैरिटी दे दूं, आपको पूरा क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है इस स्ट्रेटजी में, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं आप डेफिनेटली कमेंट्स कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आई वॉन्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, जो सिंपल स्ट्रेटजीज हैं वो हर कोई कर पाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज में घुसने का कोई फायदा नहीं है, वो कर नहीं पाते आप, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज जनरली क्या होता है कि वो आपको प्रॉफिट दे भी नहीं पाती है। और जनरली जब भी कोई स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग ना हुई हो ढंग से तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको मत करो टेस्ट, बिकॉज बैक टेस्टिंग के बिना कोई भी चीज़ डेंजरस है, रिस्की है, उसके पता नहीं उसमें एक्चुअली प्रॉफिट आता भी है कि नहीं आता, जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं, आपने सामने देखा ही नहीं उसमें प्रॉफिट आता हुआ। तो जो भी स्ट्रेटजी है या तो आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हो तो करो, नहीं तो उसका अगर वीडियो है, वीडियो में बता रखी है, बैक टेस्टिंग करके दिखा रखी है, देन ओनली यू शुड एंटर इन टू दैट स्ट्रेटजी। सो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मिलते हैं इस तरह के एक और वीडियो में। जय हिंद।